हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये 3:15 का वक्त है और सब लोग हम लोग बस सो जाते हैं। दोपहर को तो बहुत गर्मी पड़ती है, तो दोपहर को ना तो कोई ब्लॉग बनाने की इच्छा होती है ना कुछ। तो मैंने सोचा चलो आज आपसे बात ही कर लेते हैं। ब्लॉग तो रोज ही बनाते हैं, तो कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कई बच्चों के, लड़कियों के, कि खुश कैसे रहें, हमारा टाइम पास कैसे रहें, हमारे कोई ना कोई दुख है, सबको कोई ना कोई दुख है। किसी की जेठानी ऐसी है तो किसी की सास ऐसी है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें तो हमारी सास ने ये कह दिया और हमारी जेठानी ने ये कह दिया, और हमारे परिवार में होती हैं, सबके ही होती हैं ऐसी बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा कहना है ये है कि खुश रहने के लिए सब बातों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, किसी की भी बात को सोचे नहीं ज्यादा। किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, आप अपने काम से काम लगे रहें, बस काम करती रहें, जो भी काम आपको पसंद है। घर में तो जैसे संयुक्त परिवार है तो सभी काम करने पड़ते हैं, बहू को भी करने पड़ते हैं और सुनना भी पड़ता है, कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, हर बहू को सुननी पड़ती हैं। हम लाख चाहें, बड़े लोग भी लाख सोचते हैं कि ना कहें, लेकिन कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, तो वो बेचारी डिप्रेशन में आ जाती हैं। कई बातें कही जाती हैं जो नहीं कहना चाहते वो भी हम कह देते हैं, तो बच्चे होते हैं या बहू होती है वो तो बेचारी डिप्रेशन में आ ही जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि ध्यान न दें किसी बात को, और अगर आप में कोई गलती आपके सास ससुर बता रहे हैं या कुछ है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करें और खुश रहें। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हर बात को हंस के टाल दें और हर बात को, मतलब किसी भी बात का काम का है या किसी भी बात का, टेंशन ना लें, नॉर्मल वे में लें हर बात को कि हाँ कोई काम है तो उसको भी। जैसे खाना बनाना है तो हुआ लगता है कई लोगों को, नहीं आप जैसे नॉर्मल वे में लें, हाँ बस बना दी सब्जी, बना ली दाल चावल, बनानी है तो दाल चावल बना ली, सब्जी बना ली, रोटी बना ली, सब हो जाता है काम, कोई काम ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल वे में लें उसे, टेंशन में कोई काम ना करें। टेंशन में करने से या उसकी मतलब हमेशा डरते रहे हर एक काम, हर हम ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो ये नहीं, आप बस यही सोचें कि सब हो जाएगा, सब हो जाते हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई काम नहीं होते, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं होता, और कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है। हर चीज का हल है, हर प्रश्न का हल है, बस हमें करना है हर चीज का हल। तो मेरी तो यही आदत है कि मैं बस कोई ना कोई हल ढूंढ लेती हूँ किसी भी बात का। टेंशन मेरे भी आती है कई बातों की, तो बस एक बार हल ढूंढ लेती हूँ, चाहे उसका हल कैसे भी ढूंढू ढूंढ लेती हूँ उसका हाल। तो और सबको भी यही कहती हूँ कि भाई हो जाएगा काम। तो एक तो खुश रहने के लिए आपको बिल्कुल टेंशन रहित रहना होगा, काम अपने बिना टेंशन के करें, और जब भी टाइम मिले आप अपने जो भी आपका दोस्त है या आपकी सहेली है या आपकी बहन है उससे बात करें, आपका मन हल्का हो जाएगा। और पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कहा कि जो भी आपके शौक का काम है वो कीजिए, चाहे कोई भी काम आपको जो शौक पहले था शादी से पहले कभी या अब है या जब भी, उस शौक को छोड़िए मत, उस शौक को करिए, वापस उजागर करिए अपने मन में शौक को। कोई भी शौक है आपको, पेंटिंग का शौक है या पौधे उगाने का शौक है या सिलाई का शौक है, मैं तो अब तक करती हूँ सिलाई क्योंकि मुझे शौक है। तो जो भी शौक हम पूरा करते हैं अपना या करने लगते हैं उस चीज को, तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। अब कल मैंने एक फ्रॉक सिली थी बच्चे की, मेरे भतीजे की बेटी है, काफी दिन से मेरे पास पड़ी थी तो कर नहीं पा रही थी मैं, तो बस कल लेके बैठ गई कि इसको तो करना ही है पूरा, अधूरी थी। तो जब मैंने उसको पूरी की तो बस टेंशन भी खत्म हो गया और मेरे मन भी बहुत खुश हुआ। तो जो भी काम में आपको रुचि है वो काम कीजिए, चाहे कुकिंग में रुचि है तो कुकिंग की वीडियोस देखिए आप, वीडियोस आजकल तो यूट्यूब में बहुत कुछ है, तो कोई भी चीज आपको कुकिंग में कोई चीज नहीं आ रही है तो आप वीडियोस देख के और
कोई नई चीज बनाइए आपको, अगर कुकिंग का शौक है तो नई चीज बनाइए, सिलाई का शौक है तो सिलाई में भी बहुत सी वीडियो हैं, आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो वीडियो देख के आप उसको पूरा कीजिए, या फिर कोई पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत सी चीजें बनने लगी, हर चीज से लोग हर वेस्ट जो मटेरियल है उसको काम लेके और खूबसूरत चीजें बना रहे हैं, तो वो भी कर सकती हैं आप। तो मैं तो YouTube में कुकिंग की नहीं, मैं सब तरह की वीडियो देखती हूँ, सब तरह की। जैसे ही मेरा काम होता है मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, जैसे मैं अपने घर की सफाई भी कर लेती हूँ, अपने घर में कपड़े होते हैं वो भी धो लेती हूँ, थोड़ा सा बहू को भी हेल्प कर देती हूँ बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, अपने पाठ पूजा भी सारे कर लेती हूँ, कोई भी कमी नहीं रखती पाठ पूजा में भी, और फिर जब मेरे शौक है उसको भी पूरा कर लेती हूँ। तो आप और नहीं तो अपनी जो अलमारी है उसको ही जमा लीजिए, या कभी कोई किचन को साफ करना है या जमाना है या गंदी हो रही है तो वो कर लीजिए, कोई भी काम ऐसा है जो आप लेकर बैठ जाइए, 7 दिन के अंदर में बांट लीजिए हर काम को, आज ये करना है आज वो करना है आज वो करना है, तो इस तरह से आप बांट लीजिए, या फिर किचन में आप कोई लिस्ट बना लीजिए कि आपको किस तरह के नाश्ते बनाने हैं, उसके लिए आप साप्ताहिक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने से होता है कि टेंशन नहीं रहती कि हमें कल ये बनाना है, तो जैसे सोमवार से लेकर आप रविवार तक की एक लिस्ट बना लें और फिर नाश्ते बना लें, कभी सूजी का नाश्ता बना लें, कभी बेसन का बना लें, कभी आटे का बना लें, ये सारी वीडियोज आपको YouTube में मिल जाएंगी, और आप हर तरह के नाश्ते लिख लें इसमें कॉपी में कि हमको कल ये बनाना है सुबह, और अगर आपके यहाँ शाम को भी चाय के साथ कुछ बनता है तो इस तरह के आप नाश्ते साप्ताहिक लिख लें और उनको बनाती रहे, तो आपका काम भी बिल्कुल सरल हो जाएगा बनाने का, क्योंकि किचन का काम ही ज्यादा लेडीज के लिए हार्ड होता है और रोज की समस्या होती है क्या बनाए क्या ना बनाए, तो एक लिस्ट बना लें, साप्ताहिक लिस्ट बना लें आप, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, और वो किचन में ही लगा दें, जो लिस्ट आपने बनाई है उसको किचन में टांग लें, बस उसको देखती रहे, और एक ऐसी कॉपी भी किचन में टांगे आप अपने सामने टांगे, जो भी आपके पास सामान जैसे खत्म हो गया है कोई भी, तो कई बार होता है कि याद नहीं रहता है और जब जरूरत होती है तो सामान की बहुत जरूरत पड़ती है और हम कर नहीं पाते, तो एक आप कॉपी ऐसी टांग लीजिए किचन में जिसमें लिखते रहें कि आज ये सामान खत्म हो गया है, आज ये सामान खत्म हो गया, तो आपको याद रहेगा, तो आप जब भी मंगाएंगी तो लिस्ट देख के वो सामान मंगाए, तो इस तरह के काम करती रहें, रुचिकर काम करें जिससे आपका टाइम भी पास हो और दूसरों की बातों में आपका ध्यान ही नहीं जाए। मैं तो ऐसा करती हूँ कि मुझे तो किसी की परवाह नहीं है, ना मैं आस पड़ोस का कुछ सोचती हूँ कि इसके ये हो गया और उसके वो हो गया, मैं तो कभी नहीं सोचती हूँ, मैं अपने में मस्त रहती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ, तो अपने में ही मस्त रहें और खुश रहें। अगर आप दुनिया भर की सोचेंगी कि इसके ये हो गया, इसके तो ये चीज है, इसके तो वो चीज है, तो कभी खुश नहीं रहेंगे, इसलिए कभी ये ना सोचें कि इसके ये हो गया और उसके वो हो गया। मैंने कभी किसी की जिंदगी में बरोबरी की ही नहीं, मेरे पास कुछ था तो भी मैं खुश थी, कुछ नहीं था तो भी मैं खुश थी, तो खुश रहिए, बस अपने में ही खुश रहिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा अपनी मेहनत से या अपने मतलब दिमाग की, थोड़ा सा दिमाग चला लेंगे उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, हम जरूरी नहीं हमारे पास बहुत पैसा हो, हम बिल्कुल कम पैसों में भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। तो आप बस खुश रहने के लिए, एक तो मैं बता रही हूँ कि अपनी बहन से या अपने दोस्त से या अपने भाई से या जो भी आपको अच्छा लगता है उससे बात कीजिए, एक आप अपनी रुचि का काम कीजिए, एक बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए, किसी के लिए कुछ ना सोचें, किसी ने कुछ कह दिया तो सोचे ही नहीं उसके बारे में, कह दिया तो कह दिया, बस उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल लें, अपने काम में लगे रहें और अपने काम को बिल्कुल प्यार से करें। जब आप अपने प्यार से अपने काम को करेंगी तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, हर काम से प्यार करना सीखें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा।
तो बस खुश रहने का यही तरीका है कि किसी पर ध्यान न दें, किसी की बातों पर ध्यान न दें और आपके पास जो है उसमें खुश रहें। धीरे धीरे सब सही हो जाता है, सारी परिस्थितियां सही हो जाती हैं और हम पूरी जिंदगी में अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। हर इच्छा को थोड़े थोड़े टाइम में पूरा कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक साथ ही हम किसी चीज को पूरी कर सकें, हम हर साल के अंदर कर सकते हैं। एक साल में आपने मान लो कोई चीज नहीं है आपके पास, कभी हमारे पास भी नहीं हुआ करता था, कभी फ्रिज नहीं होता था तो कभी टीवी नहीं होता था तो कभी सोफे नहीं होते तो कभी ये नहीं होता वो नहीं होता। 3 बार मैंने जिंदगी में सोफे खरीदे, 1 बार मेरे पापा ने दिया था, उसके बाद मैंने फिर सोफा खरीदा, फिर उसके बाद सोफा खरीदा, तो 3 बार जिंदगी में सोफा खरीद चुकी हूँ। तो बस ऐसी चीजें अगर आपको खरीदने का भी शौक है तो आप उसको थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल में आपके पास हर साल में सोच लीजिए कि इसके लिए आप बचत भी कीजिए। बचत भी करती हूँ मैं, मेरी बचत की वीडियोस देखिए आप, उसके लिए आप बचत करेंगी तो आपकी जो इच्छाएं वो भी पूरी हो जाएंगी बचत करने से, और हर साल के अंतराल में आप कर लें अपनी कोई भी इच्छा को पूरा कर लें। हमने तो जिंदगी में सब कुछ लिया धीरे धीरे, कोई ज्यादा तनख्वाही नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे पति टीचर थे और अब रिटायर टीचर थे, मतलब रिटायर हैं अब और वो टीचर थे, तो इतनी कोई तनख्वाह नहीं होती थी। आधी तनख्वाह तो हमें गांव में उनके जाने में ही लग जाती थी और घर का काम चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन हर चीज खरीद ली, कोई भी चीज में कमी मैंने रखी नहीं। स्कूटर उस टाइम ले सकते थे तो स्कूटर लिया, फ्रिज लिया, टीवी लिया, सब घर का जितना सामान है वो सब खरीदा, लेकिन साल साल भर के अंतराल में खरीदा। जब उस टाइम फूड लोन मिला करते थे तो 1500 रुपए फूड लोन मिलता था, तो कभी हमने कुछ रुपए जोड़ के उसमें टीवी लिया, कभी फ्रिज लिया, कभी सोफा लिया, ऐसे लिया, मांगा किसी से भी नहीं, अपने आप सब खरीदा। तो खुश रहने के लिए आपको अगर ये मन में लगता है कि हमारे ये नहीं वो नहीं है, तो उसको आप उस इच्छा को पूरा करने का सोचें और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। भगवान सब इच्छा सबकी पूरा करता है। और एक अपने से नीचे लोगों को देखें, जो हमसे कम लोग हैं उन्हें देखें, जिससे आपको खुशी ये महसूस होगी कि हम तो बहुत अच्छे हैं इनसे। तो आप एक बार अपने से नीचे लोगों को देखें। मैं तो जब कार में बैठ के जाती हूँ तो कोई साइकिल वाला जाता रहता है तो मैं सोचती हूँ अरे यार अपन कितनी अच्छी स्थिति में है। या जब स्कूटर में जाती थी और किसी साइकिल वाले को या किसी पैदल वाले को देखती तो सोचती अपन तो बहुत अच्छी स्थिति में है, ये बेचारा साइकिल में जा रहा है, इसके पास कब कार होगी, इसके पास कब स्कूटर होगा, मैं ये सोचा करती थी। तो ये अगर हम सोच लेंगे कि हमसे नीचे लोगों को हम देख लेंगे तो हम बहुत ऊंचे हैं ये सोचेंगे हम, और हम खुश रहेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।